हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर पूजा निर्मानिया। वेलकम टू वैनवोलेंस कोचिंग। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की फील्ड से है और उस टॉपिक का नाम है वीविंग। ठीक है, तो वीविंग क्या है? बुनाई। बुनाई, बुनाई को हम किस चीज़ से जानते हैं? बुनाई को आप देखो, आप कोई भी कपड़ा उठा लो जो आपने पहन रखा है, चाहे आपके घर में कहीं पे हैंग कर रहा है, चाहे वो कर्टेन है, चाहे वो टेबल क्लॉथ है, चाहे वो बेड शीट है, चाहे वो आपकी शर्ट है, पेंट है, सूट है, कुर्ता है, एनी थिंग जो भी आपका कपड़े से बना है, जो भी आपका कपड़ा है वो कैसे बनाया गया है? बुनाई के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, कपड़ा बनाने की बहुत सारी विधि होती हैं, जैसे कि आप नॉन वुवेंस भी होते हैं, कुछ बिना बुने कपड़े भी होते हैं, लेकिन जो बुनाई है वो बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है आपका फैब्रिक्स का वो आपका कहाँ से आता है? बुनाई के द्वारा आता है। जो फैब्रिक्स प्रोड्यूस होते हैं मैक्सिमम, वो किससे बनाए जाते हैं? बुनाई की प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक, क्योंकि इससे हम मल्टीपर्पज़ जो फैब्रिक्स हैं उनको बना सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि वीविंग होती क्या है। तो वीविंग क्या है? इंटरलेसिंग ऑफ वाप एंड वेफ्ट यान। इंटरलेसिंग ऑफ वाप एंड वेफ्ट यान। वाप और वेफ्ट यान क्या है? वाप मीन्स ताना, ठीक है, और वेफ्ट मीन्स बाना। ठीक, ताना और बाना, यानी वो यान्स, वो धागे जो लेंथ वाइज चलें, जो आपके कपड़े में लंबाई में हो, वो क्या कहलाएंगे? ताने कहलाएंगे। और जो विड्थ वाइज चलें, यानी कि जो आपके कपड़े में चौड़ाई में चल रहे हैं, जो आपके कपड़े की चौड़ाई को दर्शा रहे हैं, वो क्या होते हैं? आपके बाने होते हैं। तो इन ताने बाने को, यानी कि जब मैं वाप और वेफ्ट यान को इंटरलेस करती हूँ, गूंथती हूँ एक दूसरे के साथ, तो वो मेरे क्या कहलाती है? बुनाई कहलाती है। मोस्टली ये जो ताने बाने हैं हमारे, ये 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जो हमारी साधारण बुनाई होती है, या जो हमारी प्लेन वीव होती है, या जो हमारी सिंपल वीव होती है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। इन ताने बानों के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि अगर मैं ताने के नाम की बात करूं, वाप यान के बाने की बात करूं, तो वो आपका कहलाता है, वाप यान आपका कहलाता है एंड्स। एंड्स बहुत कॉमन टर्म है जो इसके लिए यूज़ की जाती है, इसलिए आप लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको, जो आपका ताने का धागा है, इसको हम वर्टिकल थ्रेड या वर्टिकल यान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वर्टिकल क्यों? क्योंकि ये लेंथ वाइज है ना, इसलिए। या फिर इनको हम वूफ के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से जो बाना है हमारा, बाने को हम क्या बोलते हैं? पिक्स बोलते हैं। ठीक, पिक्स, तो पिक्स और फिलिंग यान भी बोलते हैं, क्योंकि भरावन का धागा होता है, क्योंकि ये भराई का कार्य कर रहा होता है, इसलिए हम इसको फिलिंग यान भी बोलते हैं। तो ताने बाने आपको दोनों समझ में आ गए, वो धागे जो कपड़े बनाने की प्रक्रिया में लंबाई में लगाए जाएं, वो आपके वाप यान्स होते हैं, और जिन धागों के द्वारा आपके कपड़ों में भराई की क्रिया हो, यानी कि जो धागे आपके लंबाई में लगाए हुए धागों के भरने का कार्य करें, वो आपका क्या कहलाते हैं, और चौड़ाई में स्थित हों, वो आपके क्या कहलाते हैं? वेफ्ट यान कहलाते हैं। ठीक, तो ये जो आपके वाप और वेफ्ट हैं, जब हम इनको इंटरलेस करते हैं 90 डिग्री के एंगल पर सिंपल वीव में, तो वो सिंपल वीव की बात कर रही हूँ, तो वो हमारा क्या कहलाता है? वीविंग कहलाता है, वो प्रोसेस हमारा वीविंग कहलाता है। ठीक, अब जो वीविंग है उसकी एक और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वीविंग के अंदर, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ क्लासीफिकेशन को क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी जो आपका बेसिक्स ऑफ वीव के नाम से आएगा, जो आजकल मैं आपको दे दूँगी यूट्यूब पे। तो आप अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि वीविंग में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो और क्या है। सबसे पहली चीज़ है मैथड ऑफ वीव रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो वीविंग है उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो ऑब्वियस है, ताने और बाने से बनी है, तो ताने और बाने के द्वारा ही उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो जो पहला तरीका है वो क्या है, पहला मेथड है वो क्या है? वाप ओवरलैप, यानी कि वाप की ओवरलैपिंग, यानी यहाँ पे क्या होंगे, जो आपके ताने के धागे हैं वो बाने के धागे के ऊपर होंगे। ठीक है, यानी कि वेफ्ट यान को वाप यान के द्वारा ओवरलैप किया गया होगा। तो आपकी इस तरीके की जो वीव्स होंगी, जो वाप ओवरलैप होंगी, उन्हें हम वाप फेस्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वाप फेस्ड वीव। ठीक, क्योंकि उनमें हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ ताने का धागा ज़्यादा दिखाई दे रहा है और बाने का धागा कम दिखाई दे रहा है। जस्ट इसका अपोजिट हमारा वेफ्ट ओवरलैप मेथड होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो वेफ्ट यान्स हैं वो आपके वाप यान्स के
ऊपर होते हैं या वापियांस को ओवरलैप करे हुए होते हैं। तो ये कैसी होती है आपकी वेफ्ट फेस्ड होती है ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें हमारे जो वेफ्ट के धागे हैं वो दिखाई देंगे। समझ आया? तो आपके वीव रिप्रेजेंटेशन के सिर्फ दो मेथड हैं, या तो वो वाप ओवरलैपिंग होगी या फिर वो आपका वेफ्ट ओवरलैपिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका असेंशियल वीविंग ऑपरेशन। कोई भी वीविंग अगर हम करते हैं तो उसके कुछ आवश्यक ऑपरेशन है, कुछ आवश्यक कार्य हैं जिनके द्वारा एक जो वीविंग है वो संपन्न होती है या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी की जाती है। सबसे पहला है आपका शेडिंग, पिकिंग, बीटिंग अप या फिर बैटनिंग भी बोलते हैं इसको, टेकिंग अप एंड लैटिंग ऑफ। इसके लिए आपको एक जो हमारा हथकरघा होता है, हैंडलूम जिसे हम बोलते हैं, ये उसके भी बेसिक फंक्शंस हैं। ऑब्वियस है हम लूम के द्वारा ही तो वीविंग कर रहे हैं, तो उसके और फंक्शन और जो वीविंग के ऑपरेशंस हैं वो दोनों कॉमन होंगे। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं शेडिंग की बात करूँ तो शेडिंग क्या होता है? अभी मैंने तुम्हें बोला कि जो वीविंग है वो क्या है, ताने और बाने का इंटरलेसमेंट है। ठीक, तो जो शेडिंग की क्रिया होती है उसमें क्या करते हैं हम, जब हम किसी भी कपड़े को बुनते हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ताने के धागे को कहीं एक जो रोल होता है या फिर एक बीम होता है उस बीम के ऊपर चढ़ा देते हैं। ठीक है, चढ़ा कैसे देते हैं आप इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं कि रैक्स जैसी संरचना होती है जिसे हम क्रील बोलते हैं, उसमें स्पूल्स या कोन्स की मदद से यहाँ यहाँ पे क्या होती है आपके जो बाइंडर्स होते हैं जिनके ऊपर धागा लिपटा होता है वो रखे होते हैं। फिर एक वाप बीम होता है जिसके ऊपर धागे लिपटे हुए होते हैं और ये धागे आपके एक दूसरे बीम तक जा रहे होते हैं, एक दूसरे बीम तक जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करें हमारे, ये कौन से हैं, ताने के धागे हैं। ठीक, तो ये जो ताने के धागे हैं ये एक वाप बीम से क्लॉथ बीम तक जा रहे हैं, यानी वो बीम जिस पे ताने का धागा लिपटा हुआ है क्या कहला रहा है हमारा, वाप बीम कहला रहा है। ठीक है, तो उसे हम वाप कंट्रोल भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा कि ये जो ताने के धागे हैं इन तानों के धागे को हम अप एंड डाउन अप एंड डाउन करेंगे, यानी कि एक को दबाएंगे एक को उठाएंगे या फिर दो को दबाएंगे एक को उठाएंगे, इस तरीके की वेरिएशंस देके हम डिफरेंट काइंड की वीविंग करते हैं। ये जो हम वीविंग करते हैं उसमें जो धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया है, यानी कि धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया, मान लो मैंने ये धागा और ये धागा, यानी कि अल्टरनेट धागे उठाए, यानी अगर मैं 1, 2, 3 नंबरिंग दूं इन्हें 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने सारे ऑड नंबर के धागे एक बार में ऊपर उठाए, यानी 1, 3, 5 फिर 7 फिर 9, इस तरीके के धागे मैंने एक बार में ऊपर उठाए, तो क्या होगा, जो मेरे इवन नंबर के धागे हैं वो नीचे रह जाएंगे और जो मेरे ऑड नंबर के धागे हैं वो ऊपर आ जाएंगे, तो बीच में एक स्पेस बन जाएगी, इस तरीके के से एक स्पेस बन जाएगी। ठीक है, वो जो स्पेस है वो क्या कहला रही है, शेडिंग कहला रही है। ठीक, अब ये जो स्पेस, ये जो शेडिंग हुई, ये हुई कैसे, ये हार्नेसेस की मदद से हुई। किसकी मदद से हुई, हार्नेसेस की, हार्नेसेस। ठीक है, ये जो हार्नेसेस हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर निडल्स जैसी वायर्स लगे होते हैं जिनकी अंदर से हमने धागे को निकाला हुआ होता है। ठीक है, और धागे को उसी तरीके से उस हार्नेस के अंदर निकाला जाता है जिस तरीके से हमने उसे उठाना है और दबाना है, और जितनी बार हमें मतलब जिस जितने जो हमारा पैटर्न है उसमें कितने हार्नेसेस यूज़ होने हैं वो सारी चीज़ें डिसाइड करके हम उस हिसाब से ताने के धागे को हार्नेसेस के अंदर से निकालते चले जाते हैं। तो हार्नेसेस की मदद से जब हम ताने के निश्चित डेफिनेट धागों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और उससे जो शेड बनता है, उस पूरे स्टेप को मैंने क्या बोला, उस पूरे ऑपरेशन को मैंने बोला शेडिंग, जो कि आपका पहला ऑपरेशन है किसका, वीविंग का। उसके बाद नेक्स्ट है जो पिकिंग का याद रखने का तरीका है, मैंने अभी आपको बोला कि हम वेफ्ट यान को पिक्स बोलते हैं। ठीक, तो ऑब्वियस है इसमें क्या हुआ होगा, जो हमारे वेफ्ट यान हैं उनको इंसर्ट किया गया होगा, यानी बाने के धागे को भरा गया होगा किसके अंदर, जो शेड बना था। ठीक, तो अब मैंने ये जो धागे उठाए ये इस तरीके से एक शेड में कन्वर्ट हो गए, एक शेड बन गया, जो जो ऊपर उठे इनके अंदर से मैंने क्या करा, एक शटल के द्वारा या फिर जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट है जिस भी टाइप का लूम हम यूज़ कर रहे हैं उसके द्वारा इसके अंदर फिलिंग यान को इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो फिलिंग यान हमेशा इंसर्ट किया जाता है वो पहले मतलब राइट टू लेफ्ट इंसर्ट किया जाता है, फिर लेफ्ट टू राइट इंसर्ट किया जाता है। एक दाने के धागे को अगर मैं एक बार मतलब राइट से लेफ्ट भेजती हूँ तो उसको मैं वन पिक बोलती हूँ। ठीक, फिर मैं उसे लेफ्ट टू राइट भेजती हूँ तो वो मेरा
टू पिक्स हो जाते हैं, यानी जितनी बार इधर उधर जाएगा धागा उतना नंबर ऑफ पिक्स बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मेरा जो पिक्स का मतलब आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए, जो शेड बना है उसके अंदर फिलिंग यान को भरना, यानी कि जो आपका वेफ्ट यान है उसको शेड के नीचे से गुजारने की क्रिया क्या कहला रही है, आपकी पिकिंग कहला रही है। उसके बाद थर्ड आता है बीटिंग अप या बैटनिंग अप। अब मान लो मैंने भैया धागा पिरो तो दिया, लेकिन मेरा धागा तो यहीं पे रह गया और मेरा क्लोथ भी, मेरा जो पहले कपड़ा बुना हुआ है वो यहाँ तक पहुँचा है, धागा मेरा यहाँ तक भरा है, तो मुझे इस धागे को यहाँ तक सटाना है। ठीक, तो इसे सटाने के लिए एक दूसरा इक्विपमेंट होता है जिसका नाम होता है रीड। रीड इसको हम हिंदी में कंघी भी बोलते हैं। तो इस रीड की मदद से हम क्या करते हैं, इस धागे को पीछे की तरफ ऐसे धक्का दे देते हैं। ठीक है, धक्का देंगे मतलब ठोक देंगे, तो जब हम इसको ठोकेंगे तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि जो बुना हुआ कपड़ा है उसके धागे के साथ सट जाएगा। तो ये जो हमारा कपड़ा है यहाँ पर तैयार कपड़ा तैयार हो जाएगा। बीटिंग अप या बैटनिंग आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमें कपड़े में जो भरा हुआ धागा है उस भरे हुए धागे की टुकाई करके उन्हें एक दूसरे के पास करना। ठीक है, एक दूसरे के पास पहुँचाना या बुने हुए कपड़े के पास तक पहुँचाने की क्रिया को हम बीटिंग अप या बैटनिंग कहते हैं। दूसरे और दो ऑपरेशन पैरेलल चलते हैं हमारे, टेकिंग अप और लेटिंग ऑफ। यानी कि टेकिंग अप का मतलब लपेटना और लेटिंग ऑफ का मतलब छोड़ना। तो ये जो हमारा वाब बीम था ये क्या करेगा, मान लो मेरे जो धागे थे वो जितने भी ताने के धागे थे वो यहाँ तक भर गए। ठीक है, मेरा कपड़ा यहाँ तक बुन गया, तो अब मुझे नए ताने मतलब और स्पेस चाहिए बुनाई के लिए, तो ये वाला बीम घूमेगा और ये वाला बीम भी साथ में घूमेगा, तो जो बुना हुआ कपड़ा होगा वो इसे लपेट लेगा और जो बिना बुने हुए धागे होंगे वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। तो ये जो धागे छोड़ने की प्रक्रिया है दैट इज़ लेटिंग ऑफ। ठीक है, और ये जो कपड़ा लपेटने की प्रक्रिया थी दैट इज़ टेकिंग अप। ठीक है, तो ये हमारा टेकिंग अप और लेटिंग ऑफ है। ये दोनों जो आपके ऑपरेशंस होते हैं ये इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं या फिर इतना ज़्यादा रिदम में होते हैं, इतना ज़्यादा लय में होते हैं कि जैसे एक घूमेगा वैसे ही दूसरा वाला घूम जाएगा, जिससे कि जो टेंशन होती है आपकी यानी जो तनाव होता है ताने के धागों के बीच में वो बरकरार रहे, वो स्टेबल रहे, वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर वो ख़त्म हो गया तो जो वीविंग होगी वो लूज होने लगेगी। ठीक है, जो यानी कपड़े में बहुत सारे डिफेक्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, तो ये आपके दो ऑपरेशन थे। इन ऑपरेशंस में एक खास बात है जो कि कई बार क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है, ये मोशंस हैं, मतलब ऑपरेशंस हैं, मोशंस हैं, क्रियाएं हैं, और किसकी क्रियाएं हैं, करघे की क्रियाएं हैं, लूम की क्रियाएं हैं। तो ये जो मोशंस हैं इनको हम तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी मोशन, सेकेंडरी मोशन और टर्शरी मोशन। तो जो हमारे शुरू के तीन हैं ये तीनों हमारे क्या हैं, प्राइमरी मोशंस हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं हमारे प्राइमरी मोशन, शेडिंग, पिकिंग और बीटिंग अप, ये हमारे प्राइमरी मोशन हैं। जो हमारा सेकेंडरी मोशन है वो क्या है, हमारा टेकिंग अप और लैटिंग ऑफ, ये दोनों हमारे क्या हैं, सेकेंडरी ऑपरेशन है। और जो हमारा तीसरा है जिसको हमने क्या नाम दिया है, टर्शरी ऑपरेशन, वो टर्शरी ऑपरेशन हम उस स्टेज को बोलते हैं जिस स्टेज में जो हमारा हैंडलूम है वो स्टेबल है, हैंडलूम हमारा वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि वो शांत है, वो रुका हुआ है, जब हमारा हैंडलूम स्टॉप है, उस कंडीशन को हम क्या बोल रहे हैं, टर्शरी मोशन बोल रहे हैं। तो तीन टाइप के मोशन हैं, पहले टाइप में प्राइमरी मोशन में शेडिंग, पिकिंग और बिटिंग अप आएगा, और जो हमारा सेकेंडरी मोशन है उसके अंदर टेकिंग अप एंड लैटिंग ऑफ आएगा, और जो हमारा थर्ड ऑपरेशन है उसके अंदर हमारा जो स्टॉप स्टेज में है हमारा जब हैंडलूम, उस मोशन को हम थर्ड टर्शरी मोशन बोलेंगे। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन और ऑफ वीव्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ वीव्स यानी जो वीव्स हैं वो हमारी कितने टाइप की हैं, तीन टाइप की हैं, 1, 2 एंड 3, यानी कि बेसिक वीव्स, फैंसी वीव्स और कंपाउंड स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब अगर मैं प्लेन वीव की बात करूं, सॉरी बेसिक वीव्स की बात करूं, तो बेसिक वीव नाम से ही आपको समझना चाहिए, आधारीय बुनाई, यानी कि ऐसी बुनाई जो बेस प्रोड्यूस करती हूँ। ठीक है, तो आप देखो बेस वाला कपड़ा हमेशा, अगर आपको किसी चीज़ पे पेंटिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है, पेंटिंग करनी है, एम्ब्रॉयडरी करनी है या कोई और इफेक्ट देना है, तो आप किस तरीके का कपड़ा लोगे भाई, ऐसा कपड़ा जो उबड़ खाबड़ ना हो, जो समान सतह वाला हो। ठीक है, जिस पे मैं तुम आराम से प्रिंटिंग कर सको, जिससे कि जो आपका डिज़ाइन है वो प्रॉपरली उस पर
प्रिंट हो सके, ठीक है। तो वो उस तरीके के कपड़े प्रोड्यूस करती हैं हमारी बेसिक वीव्स, ठीक है। तो हमारी जो पहली बेसिक वीव्स है वो है प्लेन वीव। प्लेन वीव को हम सादी बुनाई भी बोलते हैं। सादी बुनाई जो है हमारी वो आपकी कैसे बनती है, सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, लेस एक्सपेंसिव है और काफ़ी स्ट्रेंथन फैब्रिक प्रोड्यूस करती है। और इसकी खास बात ये होती है कि जो फैब्रिक होता है ये ड्यूरेबल भी होता है और इसको हम अपने हिसाब से बहुत सारी वेरिएशंस में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के यार्न्स को यूज़ करके, दो यार्न्स को यूज़ करके हम इसमें कलर वेरिएशन के थ्रू भी कलर कॉम्बिनेशन के थ्रू भी वेरिएशंस ला सकते हैं। और ये जो हमारी प्लेन वीव है इसके बहुत सारे नाम भी हैं। जैसे नाम क्या क्या हैं, जैसे आप इसको टैबी के नाम से भी जान सकते हैं, आप इसको होम स्पन भी बोल सकते हैं, आप इसको टफेटा भी बोल सकते हैं। ये सब किसके नाम है, प्लेन वीव के नाम है, ठीक है। प्लेन वीव बनती कैसे है, प्लेन वीव बहुत ही ज़्यादा ईजी है। वन अप वन डाउन, यानी वन बाय वन के नाम से भी हम इसको जानते हैं, वन बाय वन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो ऊपर वाली संख्या है वो हमारा ताने के धागे के नंबर को बता रही है और जो नीचे वाली संख्या है वो हमारे बाने के धागे के नंबर को बता रही है। यानी कि जब एक ताने का धागा दबाया जाएगा, दूसरा ताने का धागा उठाया जाएगा, फिर तीसरा दबाया जाएगा, चौथा उठाया जाएगा। यानी कि इस तरीके से जो आपकी संरचना बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, प्लेन वीव कहलाएगी, ठीक। जैसे ये धागा दबा दिया, ये उठा दिया, फिर ये दबा दिया, फिर ये उठा दिया, फिर ये दबा दिया, ये उठा दिया। अब इसका अपोजिट, जो दबाया था पहले उसको उठा दिया और जो उठाया था पहले उसको दबा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो संरचना बनेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, प्लेन वीव कहलाएगी। अब प्लेन वीव में वेरिएशंस आती हैं। प्लेन वीव भी आपकी कई प्रकार की हो सकती है या इसकी विभिन्नताएँ कह लो, प्रकार कह लो। ये क्या है हमारी रिब वीव। रिब का मतलब होता है पट्टी, ठीक है। तो पट्टीदार यहाँ पे बुनाई होगी। तो पट्टीदार बुनाई हमने आपने देखा होगा आमतौर पे जो शर्ट्स होती हैं मेल्स की उसके अंदर दिखाई देती हैं, तो इस वीव का वहाँ पर ही यूज़ किया जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो प्लेन वीव में अभी मैं कह रही थी कि कपड़ा बहुत मजबूत होता है, यहाँ पे हमें उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम उसमें पट्टियाँ डाल देते हैं तो एक्स्ट्रा टेंशन की वजह से, तनाव की वजह से जो आपका ये है कपड़ा है वो बीच बीच में से छीने लगता है, बीच बीच में से खींचने लगता है खिंचाव के कारण, और उसमें बीच बीच में से दरारें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जो रिब वीव है वो आपकी दो तरीके की हो सकती है, एक वाब वीव और एक वेफ्ट वीव। अगर मैंने ताने के धागे की मदद से पट्टी डाली है तो वो मेरी वाब वीव है, और अगर मैंने बाने के धागे की मदद से पट्टी डाली है या बाने की डायरेक्शन में पट्टी डाली है तो वो मेरी वेफ्ट वीव है, ठीक। अब ये जो रिब्स हैं इनको प्रोड्यूस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं डिफरेंट काइंड ऑफ यार्न्स को ले लूँ और बीच बीच में इंसर्ट कर दूँ। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ये पतले पतले धागे लिए थे और इन दोनों धागों को मैं मोटा मोटा ले लूँ, ठीक, तो ये क्या बन जाएगी मेरी, एक तरीके से रिब वीव बन जाएगी। अभी आपको प्रॉपरली समझ में आएगा, आप वेट करें ज़रा, मैं डायग्राम पूरा कर लूँ। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो ये जो हमारी संरचना है ये वाली, ठीक, ये हमारी क्या कहला रही है, रिब वीव कहला रही है। आप देख रहे हो ये तो हमारी प्लेन बुनाई चल रही है इधर, लेकिन यहाँ पे मैंने अचानक से क्या कर दिया है, तीन धागे उठा दिए हैं, ठीक, फिर इसके नीचे तीन दबा दिए हैं, फिर तीन उठा दिए हैं, फिर तीन दबा दिए हैं, लेकिन बाकी वन अप वन डाउन चल रहा है। तो ये जो तीन वाला ये होगा पोर्शन होगा, ये क्या करेगा, इस कपड़े के अंदर एक पट्टी क्रिएट कर देगा, एक रिब क्रिएट करेगा। और ये जो रिब है ये कैसी है हमारी, वाप रिब है, क्योंकि ये मैंने लेंथ वाइज डाली है। अगर मैंने यही रिब ऐसे डाल दी होती, हॉरिजॉन्टली डाल दी होती, क्षैतिज डाल दी होती बाने के धागों की मदद से, तो वो मेरी वेफ्ट कहलाती, ठीक। इसके अलावा ये जो हमारी रिब्ड वीव होती है, मैंने अभी आपको इसका यूज़ बता दिया कि कहाँ पर यूज़ होती है। उसके अलावा ये जो हमारी रिब्ड वीव होती है इनसे बने हुए जो कपड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे कि आपका ब्रॉड क्लॉथ आपने सुना होगा, टफेटा सुना होगा, बैंगलीन सुना होगा, डिमिटी, फॉइल, पॉपलीन, ये रैप, ये सारे के सारे जो कपड़े होते हैं ये सब आपके रिब्ड वीव से बनते हैं, ठीक।
इसके अलावा आप ये बास्केट वीव पे आ जाते हैं। बास्केट वीव क्या है आपकी, ये रिब वीव का ही जो आपका वेफ्ट रिब कह लो, या इसको ही हमने तीन में भी क्लासीफाई कर सकती हूँ। इसका दूसरा नाम होता है मैट रिब, ठीक है। बास्केट वीव का ही दूसरा नाम होता है मैट रिब। बास्केट वीव क्यों बोलते हैं, बास्केट वीव इसलिए बोलते हैं कि जो पहले ज़माने में टोकरी या छबड़े बनाए जाते थे वो बास्केट वीव की मदद से बनाए जाते थे, या फिर आप ऐसे करके समझ सकते हो कि जो इफ़ेक्ट आता है ना वो बास्केट जैसा इफेक्ट आता है इस वीव में जब बनाई जाती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बास्केट वीव भी बोल देते हैं। होता कैसे है ये, जैसे अभी तक मैंने क्या करा था, कुछ पोर्शन में रिब डाल दी थी, अब मैं क्या करूं कि मैं वन बाय वन का पैटर्न छोड़ के सारे पोर्शन में रिब पैटर्न ही यूज़ कर दूं, तो वो मेरा क्या बन जाएगा, बास्केट बन जाएगा। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल है ये। देखो ये जो मैं बना रही हूँ ये 2x2 संरचना कहलाई जाएगी, 2x2, ठीक है, 2x2 रिब है ये, 2x2 रिब। ठीक, ये क्या है आपकी 2x2 रिब है, 2x2 रिब है। अब ये क्यों है 2x2, ये देखो, दो उठाए दो दबाए, दो उठाए फिर दो दबाए फिर दो उठाए, ये वेरिएशन है, यही सेम स्टेप मैंने दूसरी बार भी यूज़ करा है, जो दो उठाए थे वही दो उठाए फिर दो दबा दिए फिर दो उठाए, फिर ये स्टेप, फिर मैंने उसके उसको अपोजिट कर दिया है। तो ये जो इफेक्ट है ये कैसा है हमारा, बास्केट वीव जैसा इफेक्ट, और ये क्या कहला रही है हमारी, 2x2 बास्केट कहला रही है, सॉरी 2x2 बास्केट कहला रही है, ठीक है, दो 2x2 की बास्केट है ये। तो हमारी जो बास्केट वीव होती है वो भी आपकी दो प्रकार की हो सकती है, इवन बास्केट और अनइवन बास्केट, या रेगुलर बास्केट या इरेगुलर बास्केट भी आप इसे बोल सकते हो। बास्केट वीव कब होगी, सॉरी इवन कब होगी, जो मैंने अभी क्रिएट की, यानी कि जब मैंने 2x2 बनाई, ठीक। अगर मैं इसको 5x3 बना दूं या 2x4 बना दूं तो मेरी ये क्या हो जाएगी, अनइवन बास्केट हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जब मैं इन संख्याओं को, जो ताने बाने की संख्या है, दबाने उठाने की, उनको चेंज कर लूं, एक निश्चित अनुपात में ना लूं, सॉरी सेम नंबर्स ना लूँ, सेम ताने वाने यूज़ ना करूँ, अलग अलग ताने वाने की संख्या यूज़ करूँ, तो वो मेरी अनइवन हो जाती है। जब मैं सेम यूज़ करती हूँ तो वो मेरी सेम हो जाती है। नेक्स्ट आती है आपकी ट्विल वीव क्या होती है। ट्विल वीव की सबसे अच्छी पहचान है कि ये क्या करती है, डायगनल लाइंस में चलती है, एक तिरछी रेखाएँ क्रिएट करती है आपके फैब्रिक के अंदर। तो वो जो तिरछी रेखाएँ हैं, वो तिरछी रेखाएँ कैसी होंगी, भाई ऑब्वियस है, तिरछी रेखाएँ हैं तो तिरछी होंगी, है ना, तो तिरछी रेखाएं क्रिएट करेगी, यानी पूरे कपड़े पे आपको इस तरीके का इफेक्ट दिखाई देता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डेनिम, है ना, जो जीन्स आप पहनते हो सब लोग, उस जीन्स में आप उठा के देखना तिरछी रेखाएं होती हैं। जितने गर्म कपड़े होते हैं, पैंट्स होती हैं, शूटिंग शर्टिंग के जितने भी क्लॉथ्स आते हैं वो सारे के सारे ट्विल वीव से बनाए जाते हैं, ठीक। वार्म क्लॉथ्स बेसिकली हम इसी से ही बनाते हैं, ट्विल वीव से। ट्विल वीव की खास बात अभी मैंने बताई कि इसमें तिरछी रेखाएं दिखाई देंगी। ये जो तिरछी रेखाएं हैं ये आपकी बहुत सारे तरीके से बनाई जा सकती हैं, उसी के आधार पे इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं जिनको हम आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप दो चार चीज़ें और हैं इसके बारे में जो आपको पढ़नी चाहिए। तो जैसे मैंने ट्विल वीव को बताया कि इसका जो ये है एंगल है, ये मोस्टली जो आपका रेगुलर ट्विल होता है, जो आपका रेगुलर ट्विल होगा वो कितने पे होता है, उसका एंगल इस डायगनल लाइन का 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये एंगल आपका 45 से नीचे हो जाए, यानी कि और ज़्यादा कम हो जाए, 35 हो जाए या आपका ये 25 हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी, स्टीप कहलाएगी, ठीक है, स्टीप ट्विल कहलाएगी। और अगर ये इससे ऊपर हो जाए, यानी कि 63 हो जाए, तो ये कहलाएगी हमारी रिक्लाइनिंग ट्विल, ठीक। तो ये एक तरीके से ट्विल के टाइप भी कह देते हैं कुछ लोग, लेकिन ये क्या है, सिर्फ उसके जो एंगल्स हैं, लाइंस के जो एंगल्स हैं उनकी वेरिएशन के आधार पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर 45 डिग्री पे हैं ये लाइंस तो ये हमारी क्या कहला रही हैं, रेगुलर ट्विल कहला रही हैं। अगर 45 से नीचे हैं तो स्टीप ट्विल कहला रही हैं। अगर 45 से ऊपर हैं के एंगल पे हैं तो ये हमारी रिक्लाइनिंग कहला रही हैं। इसी के बाद मैं कह सकती हूँ ट्विल वीप भी आपकी इवन और अनइवन हो सकती है। अगर मान लो मैंने ट्विल वीप 2
टू बाय टू की बनाई, ठीक है, यानी कि मैंने दो अप दो डाउन यूज़ करे हैं तो वो मेरी इवन हो गई। और अगर मैंने टू बाय वन की बनाई यानी दो अप और एक दबाया है तो वो मेरा अनइवन ट्वेल हो गई, यानी कि जो हमारे यांस हैं वेफ्ट और वाप यांस हैं उनको दबाने उठाने की संख्या के आधार पर भी हम इवन और अनइवन में ट्वेल वीप को क्लासीफाई कर सकते हैं, किसमें, इवन और अनइवन, ठीक। इसी के आधार, इसी के बाद हम डायरेक्शन के आधार पे भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। डायरेक्शन के हिसाब से क्या हो सकता है आपका, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। तो राइट हैंडेड कब होगी, जब मेरे जो डायरेक्शन है लाइन की, यानी जो डायगनल लाइन बन रही है उसके अंदर वो इस टाइप से है, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो वो मेरी क्या होगी, राइट हैंडेड। और अगर मेरी इसकी अपोजिट है ऐसी है तो वो मेरी क्या होगी, लेफ्ट हैंडेड होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे ट्विल के बहुत सारे बेसिस पे उसके क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इसकी वेरिएशंस आती हैं, इसकी वेरिएशंस आती हैं, वो वेरिएशंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। तो देखो मेनली आपको सिर्फ तीन वेरिएशंस इसकी याद रखनी है। पहली वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं हैरिंग बोन, दूसरी वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं गबार्डाइन, और तीसरी वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं क्रॉकस्क्रू, ठीक। अगर मैं हैरिंग बोन की बात करूं तो ये क्या होती है, इसको हम ब्रोकन ट्विल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, ब्रोकन ट्विल, यानी कि टूटी फूटी ट्विल। तो टूटी फूटी ट्विल कब होगी, मैंने डायगनल लाइन से बनाई थी, अगर मैं इन डायगनल लाइंस को तोड़ दूं तो, ठीक है। तो तोड़ना कैसे होगा मेरा भाई, ऐसे थी, अभी मैं इसको ऐसे भी तो बना सकती हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको और भी किसी तरीके से भी ब्रेक कर सकती हूँ, किसी और डायरेक्शन में भी ब्रेक कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सब मेरा क्या बन रहा है, ये मेरा हैरिंग बोन बन रहा है, ठीक है। तो आप हैरिंग बोन को या ब्रोकन ट्विल को सीधे से याद कर सकते हो कि जब मैं डायगनल लाइंस को दो अपोजिट डायरेक्शन में तोड़ के मिला के कोई भी पैटर्न बनाती हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, हैरिंग बोन पैटर्न कहलाएगा। हैरिंग बोन की बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, उनके बहुत सारे नाम रख दिए हैं लोगों ने, लेकिन एग्जैक्टली वो है क्या, हैरिंग बोन है। जैसे मान लो कोई बोलता है डायमंड ट्विल, ठीक है, तो डायमंड ट्विल क्या है आपका, हैरिंग बोन है। कोई बोलता है zigzag ट्विल, वो क्या है आपका, हैरिंग बोन है, क्योंकि zigzag में zigzag लाइंस बन रही हैं। कैसे बन रही हैं, डायगनल लाइंस को तोड़ के अपोजिट डायरेक्शन में, और वो टूटी हैं तो क्या हुई, ब्रोकन ट्विल हुई। ब्रोकन ट्विल को क्या बोलते हैं, हैरिंग बोन बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से आपका जो ये है गबार्डाइन, गबार्डाइन में हम क्या करते हैं, क्या होता है, गबार्डाइन में हमारी लैडर्स बनती हैं। लैडर्स भी कैसी बनती हैं, इस तरीके की लैडर्स बनती हैं, ये वाली, ठीक है, इस तरीके का पैटर्न बनता है लाइंस के थ्रू, तो वो हमारा क्या कहला रहा है, गबार्डाइन पैटर्न कहला रहा है ट्विल वीव का। तो ऑब्वियस है इसमें भी, इसमें बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये मतलब ये बीच वाली लाइन होती नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताई है। इस तरीके का पैटर्न आपको शो होगा तो उसको हम गबार्डाइन ट्विल कहेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है ये क्रॉक स्क्रू। क्रॉक स्क्रू में क्या होती है, ये इलोंगेटेड ट्विल भी कहलाई जा सकती है, ठीक, इलोंगेटेड ट्विल। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो टाइप की हो सकती है, इनकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरीके की लाइन्स आ रही हैं इसके अंदर, तो ये हमारी क्या कहला रही है, क्रॉक स्क्रू कहला रही है। अगर यही लाइंस का पैटर्न मेरा ऐसे हो जाए तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। और इस पैटर्न को हम क्रॉक स्क्रू बोलते हैं, इसको गबार्डाइन बोलते हैं, और दोनों लाइंस डायगनल लाइंस को तोड़ के जो मिलकर बनती है वो हमारी हैरिंग बोन होती है। तो आपको बहुत सारे ट्विल वीव आ जाने चाहिए मेरे इस एक्सप्लेनेशन के बाद। हैरिंग बोन, गबार्डाइन और क्रॉक स्क्रू तो बेसिक हैं, इनकी वेरिएशंस जैसे कि डायमंड हो गई, जैसे zigzag हो गई, क्रॉक आपका क्रॉस क्रिस हो गई, आपका ये शेडेड ट्विल हो गई। शेडेड ट्विल में क्या करते हैं हम, जो रेगुलर ट्विल होती है ना, बस उसमें हम उसकी जो ट्विल डायगनल लाइंस है उनकी मोटाई को वैरी करा देते हैं, जैसे कोई इतनी मोटी, फिर उससे पतली, फिर उससे पतली, इस तरीके से, तो और पैटर्न्स बना देते हैं, एक डेफिनेट पैटर्न्स बना देते हैं, तो वो हमारी शेडेड ट्विल हो गई, ठीक। तो ट्विल जो है वो आप बस ये तीन याद रखिए, इन तीनों के ही बाकी सारे रूप हैं, फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट आती है हमारी सटाइन या फिर सैटिन वीव, ठीक। एक चीज़ और बेटा जो मैं स्किप कर गई हूँ, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, प्लेन वीव में हमेशा टू हार्नेसेस यूज़ होते हैं, ट्विल वीव में हमारे तीन
से 4 तक हार्नेसेस यूज़ हो सकते हैं और इसमें हमारे 4 से 12 हार्नेसेस यूज़ होते हैं सैटिन वीव में। सैटिन वीव क्या है, एक तरीके से आप समझो तो ये ट्विल वीव जैसी ही होती है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, जो बनाने का तरीका है, वो बिल्कुल ट्विल वीव के जैसा ही होता है। लेकिन ये हमेशा अनइवन होगी, कभी ये इवन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती इवन, अभी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हम इसमें जो यार्न्स होते हैं उनको बहुत लंबे गैप के बाद गूंथते हैं किसी दूसरे यार्न में, इसलिए तो ये फ्लोटिंग करती हुई नज़र आती है। इसके जो यार्न्स होते हैं ये हमें फ्लोट करते हुए नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि ये हमारी कैसी है, जैसे 5x1 की हो सकती है, 8x1 की हो सकती है, 12x1 की हो सकती है, इस तरीके से। तो हम इसका मतलब आपको मैं समझा ही चुकी हूँ कि ये क्या क्या मैं लिखती हूँ गिनतियों में, ठीक। तो जैसे मैंने 5x1 की बनाई, तो 1, 2, 3, 4, 5 इन सबको मैंने उठा दिया, ठीक है। उसके बाद 1 दबा दिया और फिर 5 दबा दिए, ठीक है। फिर इधर से लिया, इधर से 1 छोड़ के फिर 5 दबा दिए, फिर 1 छोड़ के इधर से फिर 5 दबा दिए, फिर 1 छोड़ दिया, ठीक है। फिर इस तरीके से ही हमें पूरी जो 12 वीव है उसको, सॉरी सैटिन वीव है उसको बनाती चलती हूँ, ठीक। तो ये जो हमारी सैटिन वीव है, तो इसमें कोई खास अंतर नहीं है। देखो इसमें भी डायगनल लाइंस भी दिख रही हैं आपको, कई बार ये डायगनल लाइंस भी नहीं दिखाई देती हैं जब हम जो गैपिंग है उसको ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं, या फिर जो स्टेप्स हैं, ये वाले स्टेप्स हैं, इनको हम इंक्रीज़ करते चले जाते हैं। तो जो सैटिन वीव है वो होती 12 वीव जैसी है, और इससे जो कपड़े प्रोड्यूस होते हैं हमारे सैटिन वीव से, वो सैटिन ही होता है। आप उसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसने भी देखना है सैटिन, जितने भी आपके शूटिंग के कपड़े होते हैं या जो कोट पैंट बने हुए होते हैं, उनके अंदर जो अस्तर लगा होता है, लाइनिंग लगी होती है, वो सैटिन का लगाया जाता है। इसकी खास बात ये होती है, क्योंकि हम बहुत लंबे लंबे फ्लोट्स बना रहे होते हैं इस पे, जो यान ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं इसमें, उन्हें हम फ्लोट्स बोलते हैं। तो जो वो फ्लोट्स के कारण क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एयर सैक्स डेवलप कर लेती है अपने अंदर, छोटे छोटे जगहें बना लेती हैं जो कि एयर को ट्रैप करने में मददगार होती हैं, जिसके कारण ये जो कपड़ा होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक। उसके बाद साटन और सटीन मैंने दो लिखी, लेकिन दोनों चीज़ एक ही हैं। अगर ये जो हमारी वीव है वो वाफ फेस्ड है, वाफ फेस्ड मैंने अभी बताया कि अगर आपके ताने के धागे ऊपर दिखाई दे रहे हैं तो वो साटिन कहला रही है, और अगर वो वेफ्ट फेस्ड है, यानी कि आपके बाने के धागे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो वो हमारी सैटिन कहला रही है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक वेव्स के बारे में बात की थी हमने। अब इसके बाद हम फैंसी वीव्स और कंपाउंड वीव्स पढ़ेंगे, या कंपाउंड स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने सारी बेसिक वीव्स जो थी उनको ख़त्म कर दिया है। अब हम सेकंड वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम फैंसी वीव्स और कंपाउंड वीव्स को डील करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।